Welcome to newcomer students. I am Dr. Saurabh Singh from Emily Gordon College. You know about that. I am teaching you organic chemistry, कार्बनिक रसायन, क्योंकि इस महामारी के दौरान हम लोग जो है वीडियो और लेक्चर्स और पीडीएफ और इस तरह से लेक्चर्स के साथ जुड़ेंगे, और ये ज़रूरी है कि आप भी इससे उसी तरह से जुड़ने की कोशिश करें जितनी मेहनत हमारे कॉलेज के या एमएलई कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो कर रहे हैं। तो आप जो भी वीडियो बने उसको पूरा देखें, और अपन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन रसायन में जो पहले यूनिट लेके चलेंगे, और पहले यूनिट है हमारी क्या, कार्बन संरचना एंड बंध, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, हिंदी और इंग्लिश, दोनों जो टेक्निकल वर्ड्स हैं केमिस्ट्री के वो अपन यूज करके चलेंगे, ताकि दूसरे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो, और हिंदी मीडियम के हैं उनको भी कोई दिक्कत ना है। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हिंदी मीडियम वाले जो है टेक्निकल केमिस्ट्री के टेक्निकल वर्ड को यूज़ करना शुरू करें, उसको भी साथ में लेके चलें, क्योंकि आने वाले समय में जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, तो हम लोग जो है उस सारे टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी मैथमेटिक्स या एमएससी फिजिक्स या एमएससी बॉटनी या एमएससी जूलॉजी, जो भी एमएससी है, वो सभी इंग्लिश मीडियम से होती है। इसलिए जो भी आपका टारगेट है, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, उसके अकॉर्डिंग आपके इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड्स जो है, उस लैंग्वेज के टेक्निकल वर्ड्स जो है, उस सब्जेक्ट के टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में भी पढ़ना शुरू करें। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। ओके, तो अपन लेके चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं, आज नया सीक्वेंस करते हैं, और इसको जो है सभी लेक्चर्स जो है आप भी ध्यान से सुनिए, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, उनको भी जो है सब्सक्राइब करवाइएगा। जो हमारा चैनल है, जो अपने एमएलई कॉलेज का चैनल है, उस चैनल पर सभी जने जो अपने अपने आप को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियोज़ बढ़ाते हैं उसको पूरा देखने की कोशिश कीजिए, और अपनी कॉपी और पेन जो है, जब भी वीडियो देखें कॉपी और पेन लेके बैठे, और उससे जो भी चीज़ आपको निकल के आ रही है, समझ में आ रही है, उसको राइट डाउन करें। ओके, दिस इज द बेसिक चीज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग द आवर केमिस्ट्री। हमारी केमिस्ट्री को समझने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, क्या, एक तो आपका उपस्थिति और कॉपी और पेन। ओके, चले आगे। तो हम यह है संरचना बंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो बंध जो है दो प्रकार के होते हैं, स्थानीयकृत और अस्थानीयकृत बंध, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। ये लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या है, स्थानीयकृत बंध क्या है, हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी परमाणु जो है उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो अपने कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, और दूसरे परमाणु के बीच भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स का विपरीत चक्रण के द्वारा साझा करते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक बंध का निर्माण होता है इस बॉन्ड का, तो विपरीत चक्रण के द्वारा जो है होता है, तो ये बंध जो है हमारा कहलाता है स्थानीयकृत बंध, क्योंकि ये दोनों परमाणु के बीच में परमानेंट स्थायित्व के रूप में स्थानीयकृत रहता है, जब तक कि बाहरी रूप से कोई फोर्स, कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा नहीं दी जा सके। तो इस प्रकार के जो बंध होते हैं वो कहलाते हैं क्या, स्थानीयकृत बॉन्ड्स, स्टेबल बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जो अपन बात करेंगे उसके बारे में। और वो बॉन्ड कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए हमने जो वीवीटी थ्योरी और एमएटी थ्योरी के बारे में 11वीं बारहवीं पढ़ा था। तो आगे हम जो है इसको लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक मैं लेके चलूँगा, ताकि आपको जो इस दौरान जो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड निकल चुका है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ से जुड़ सको, उस केमिस्ट्री को जो वापस से जो है आत्मसात कर सको, उस केमिस्ट्री को वापस से अपने हेल्दी रूप में अपने अंदर ला सको। तो इसके लिए जो है कुछ बेसिक और हम जो है चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें मैं पहले शुरुआत कर रहा हूँ कि जितने भी आपके बंध निर्माण होते हैं या बॉन्ड का परमाणु बंध निर्माण करते हैं, पर एटम्स जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो बंध निर्माण के दौरान उनके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ठीक है। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण करने के बाद में जो बंध बनेगा, वो बंध के मिलाकर के ऑफ्टर और पूरे जो आपका
अणु है उस अणु का कुल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपके अक्रिय गैस विन्यास के अनुसार उसका विन्यास आना चाहिए, तभी वह स्थायी बंध का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं ऑक्टेट, यानी अष्टक पूर्ण होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का, 18 इलेक्ट्रॉन नियम का फॉलो होना चाहिए, वह हमें ध्यान रखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो भी परमाणु है वो उतने ही बंध का निर्माण करता है जितने कि उसके बाह्य कोष में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई भी समझ उनको नहीं आए तो आप उस पर कमेंट्स करके मुझसे पूछिएगा, लेकिन ये आपका दायित्व है कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करें और उस चीज़ को पढ़ करके फिर कुछ पूछने की कोशिश करने। और हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उस ग्रुप पर भी हम डालते हैं और यूट्यूब पर डाल करके उसका लिंक आपको शेयर करते हैं, तो उस पर जो भी कमेंट्स हो आप डालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर भी आपके पास होते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, फ़ोन से कर से पूछ सकते हो, लेकिन यह है कि आपकी सक्रियता ही इस लेक्चर को या सभी जितने लेक्चर बनाते हैं उसको पूर्ण करती है, उसको स्थायित्व प्रदान करती है। जब तक वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक कि आपकी सक्रियता नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चले, तो हम कह रहे थे कि कोई भी परमाणु जो है, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन जो है, एक मिनिमम परमाणु लेके चल रहा हूँ मैं, एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अपने बंध का निर्माण या एच टू गैस का निर्माण या एच टू जो है मिनिमम बनाता है, तो वो दो ही परमाणु आपस में जुड़कर एक बंध का निर्माण करते हैं, दो बंध का निर्माण नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण यह है कि उसके जो विन्यास है, उसका कॉन्फिगरेशन है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है, अयुग्मित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ में भी अयुग्मित होने के कारण दोनों एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन कर करके बॉन्ड का बंध का निर्माण करते हैं, जिसमें कि एक इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत चक्रण के द्वारा जुड़ते हैं। और चूंकि विपरीत चक्रण जब भी होगा, विपरीत चक्रण होगा तो ही वो क्या है, अपने आप को स्थायित्व के रूप में रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, उसके अंदर क्या होगा, टकराव होगा, चक्रण के बीच में जो है प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण बचने के लिए दोनों का चक्रण विपरीत होना अनिवार्य है। और विपरीत चक्रण के द्वारा क्या होना, एक बंध का निर्माण करते हैं, और ये बंध जो है दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच में स्थानीकृत हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो बंध है वो कहलाते हैं हमारे क्या, स्थानीकृत बंध, ठीक है ना, लोकलाइज बॉन्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चले, तो इसी तरह से हम एच की बात करें, इस तरह से एफ की बात करें, तो एफ में क्या होता है, देखिए एफ के पास जो है, हमारे पास एफ के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा इस प्रकार से जो है, एक इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, और ये पांच बॉन्ड ही बना सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक बॉन्ड की बारे में बात करें, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या, उसका अक्रिय गैस विन्यास धारण करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, दूसरे सेम की बात करें तो सेम से ले लेगा, और बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है हम इस प्रकार से इसके ऊपर दर्शा सकते हैं, कितने, दो और दो और दो चार और दो छः चार दो आठ, तो आठ इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से दो दो करके दर्शा सकते हैं, तो ये हमें जो है देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो होगा, इस तरह से एफ में भी आठ, एक और आठ, एक और आठ, एक और आठ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो ये जो है आपके विपरीत चक्रण वाले इस प्रकार से आएंगे, अतिव्यापित करेंगे और एक नए बंध का निर्माण करते हैं, और वो जो है बॉन्ड इस प्रकार से बनता है, तो ये आपके बन गया है, और ये दो बॉन्ड बनकर के एफ और एफ के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। और अब देखिए इसका जो है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, नौ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, नौ, नौ नौ दोनों मिलकर कितने हो गए, 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जो है इन्होंने जो है ग्रहण कर लिया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ग्रहण करते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला आपका ऑर्गन का जो है इसने डाल लिया है, तो इस प्रकार से ऑर्गन का कॉन्फिगरेशन इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। अब इसके बाद कितने दो इलेक्ट्रॉन का हीलियम का कॉन्फिगरेशन या हीलियम का विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास है जो हाइड्रोजन धारण कर लिया है, इसलिए कभी भी किसी प्रकार का कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक बंध बनता है तो वो अपना जो है इस प्रकार से लेता है, जिस प्रकार से उसका अक्रिय गैस विन्यास धारण कर ले, वही बॉन्ड स्थायी होता है, और वो स्थायी तो धारण करने के बाद में वो हमें जो है एक स्थानीयकृत बंध निर्माण कहता है। इसी बॉन्ड को हम सह संयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ओके, आइए इसी तरह से हमारा जो है C1H2 2H2 कार्बन के बारे में बात करें, तो कार्बन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए इसके पास कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से हम आगे देखते भी आ रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन तो है,
लेकिन ये क्या करता है कि इसके पास जो है तीन प्योर बोतल और खाली रह जाते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा अपन लेके चलेंगे वो बाद में एक बार करेंगे। तो आप ब्रीफली इसको देख लीजिए, दो इलेक्ट्रॉन है और दो अपने पास किसके पास है, एस टू के पास है, टू पी टू के पास है। इस प्रकार दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का जंप करता है, जंप करने के बाद यहाँ आता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जो है हमें ये मिलता है। और ऐसे ऐसे मिलने के बाद में क्या है, ये आपको जो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक्साइटेड स्टेट में कार्बन चार, ये पढ़ चुके हो आप बारे में, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो ही जाकर के आप जो है इसमें से जो है 15 नंबर का से लगभग 15 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बेसिक चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया है, इस प्रकार से कितने आ गए इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, किसी के साथ में ये साझा कर सकता है, चाहे एफ हो चाहे हाइड्रोजन हो, जिसके पास खुद के पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा। तभी माय डियर स्टूडेंट्स वो सिग्मा बंद निर्माण करेगा, अदरवाइज जो है वो पाई बॉन्ड में या इस प्रकार से रूप में चला जाता है। तो इस प्रकार दूसरा लेके चलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपने देख लिया, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1s2 में। इस प्रकार से कितने हाइड्रोजन के पास जुड़ सकते हैं, एक एक कार्बन के पास में देख लीजिए 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है ये कार्बन जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन के साथ में इस प्रकार से बनाता है, और जो हमें मिलेगा वो इस प्रकार से हमें जो है देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से जो है एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है हमारा इसका इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से जो है ये जो है हमारे पास चार सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है, चार सिग्मा बॉन्ड में CH4 का फॉर्मेशन होता है, और ये CH4 जो है वही हमारा क्या करता है बंध का निर्माण करते हैं, और इस CH4 का बंध जितने बने हैं वो सारे स्थानीकृत बंध है, लोकलाइज बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या चीज कहना चाह रही है, ये सब चीज़ कहना चाह रही है कि ये सभी कॉन्फ्यूगरेशन जितने भी कार्बन यौगिक का निर्माण होता है वो सभी अक्रिय गैस विन्यास को धारण करते हुए अपने स्थायित्व को ग्रहण करते हैं, और स्थायित्व ग्रहण करते हुए हमें ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणुओं में या कोई भी परमाणु है उसको वो कितने बंध का निर्माण कर सकता है, कितने बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, कितने बंध बना सकता है, बताइए। वो उतने बंध बना सकता है जितने कि उसके बाह्य कोष में, बाह्यतम कोष में वैलेंस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब क्या है कि वैलेंस बॉन्ड का मतलब है जैसे कि 1s एक आपका सेल हो गया, और 2s2 दूसरा आपका कोष हो गया। इस प्रकार से इसके कितने कोष है 1s2, इस प्रकार से एक न्यूक्लियस और उसके बाद एक कोष, दूसरा कोष, तो 1s2 वाला एक कोष हो गया, तो दूसरा 2s2 2p2 वाला दूसरा कोष हो गया। तो इस प्रकार बाह्यतम कोष ये कहता है हमारा, इस बाह्यतम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बताता है कि वो उतने बंध का निर्माण कर सकता है, उतने कितने बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन उसके बंध के निर्माण के अंदर भागीदारी ला सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन के केस में या इस तरह के केस में क्या होता है कि, और दूसरी बात एक और चीज़ अपन लेके चलेंगे कि इसके अलावा यदि हमारे पास डी कक्षक है, डी कक्षक अगर उसके अंदर पाया जाता है ऑक्सीजन या फ्लोरिन के बाद में, तो वो डी कक्षक भी खाली कक्षक भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वो अपना एक्सटेंशन कर लेता है एजिमुथ इलेक्ट्रॉनों का, और वो एजिमुथ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल भी शामिल हो जाता है, वो बड़ा आपका अणु के निर्माण के अंदर भागीदारी निभाता है। लेकिन नाइट्रोजन है या ये कार्बन है इसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, वो क्योंकि इसके पास खुद के पास ही पी ऑर्बिटल होता है, और वो जो है वो एजिमुथ इलेक्ट्रॉन एक पेयर के रूप में, एक लोन पेयर के रूप में रह जाता है, और वो लोन पेयर जो है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी संरचना के अंदर भागीदारी निभाता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारे केवल बंध में किस प्रकार से बंध बनते हैं, किस प्रकार से स्थायित्व ग्रहण करते हैं, उसके बारे में बात होगी। अब बात करते हैं क्या अगला टॉपिक लेकर चलते हैं, वो है हमारा कि संरचना बंध के बाद में उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। वो संकरण और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके बिना हम कभी भी कार्बन यौगिक या किसी भी अकार्बन यौगिक उसके संरचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और संरचना की कल्पना करने के लिए हमें संकरण का पढ़ना अनिवार्य है, संकरण का पढ़ना अनिवार्य है,
इसलिए समकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इट इज नेसेसरी। ओके, तो इस संकरण के अंदर क्या बात करें अपन, संकरण क्या है वह हम पहले भी बारे पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा अपन इसको रिवीजन करते हैं, रिवीजन करके चलते हैं कि विविटी जो थ्योरी थी और विविटी थ्योरी कहती है कि हमें जो है कि संकरण के बारे में बात नहीं करती, वो ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण के बारे में विविटी थ्योरी बात नहीं करती। और विविटी थ्योरी क्या कहती है कि भांतव जो कि कोष के अंदर या किसी भी परमाणु के अंदर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बंध का निर्माण करते हैं। अगर ऐसा होता माय डियर स्टूडेंट्स तो जो बेरिलियम है बीई वो कभी भी आपका जो है बीई एच टू का निर्माण नहीं करता, बीई एच टू का निर्माण नहीं करता। और इस प्रकार से बेरिलियम के जितने भी आपके उदाहरण पाए जाते हैं वो बीई BeF2 का निर्माण नहीं होता अकॉर्डिंग टू VBT कहती है इसके पास, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका विन्यास है, इसका विन्यास के लिए हम देखते चले तो किस प्रकार का विन्यास हमें देखने को मिलता है 1s2 2s2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है तो 1s2 2s2 और इस प्रकार से जो है हम लेके चलते हैं। तो हमें जो पता है कि इस प्रकार के जो विन्यास है वो बेरिलियम जो है वो हमारे लिए चार नंबर पर हमें देखने को मिलता है। तो उस केस में हमें जो चीज़ें देखने को मिली तो वो क्या हुआ, 1s2 2s2 हमें मिला, 1s2 2s2 हमें मिला, 1s2 2s2 हमें मिला। तो इस प्रकार से जो है आपका हमें जो है देखने को बात चलती है और हम जो है उस चीज़ को लेके चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है आगे चलिए। तो इस प्रकार से जो है हमारा इसका निर्माण होता है और हम जो है इसको लेके चलते हैं, चले लेके चले तो क्या क्या है, हाइड्रोजन है हमारे पास, देख लिया हमने बेरिलियम के हाइड्रोजन साथ में ये देखने को मिलेगा, चार नंबर पाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका विन्यास 1s2 1s2 2s2 होता है। तो VBT कहता है कोई किसी प्रकार का कोई अनप्रिय इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये बेरिलियम जो है कोई बंध का निर्माण नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, संक्रमण या हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उसने बात करी किसकी, ट्रांजिशंस की यानी संक्रमण की बात करी, संक्रमण की बात की गई कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी के अंदर प्रमोट करता है, निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में चला जाता है, इस प्रकार से उसके अंदर एक से अधिक उसके भांतव कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं और उसी के अनुसार बंध का निर्माण करता है। जब बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के लिए हम देखते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका विन्यास 1s2 2s2 हो गया, उसके पास में पी ऑर्बिटल जो खाली पड़ा है, ठीक है, पी ऑर्बिटल खाली होने के कारण क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास पी ऑर्बिटल खाली है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है पहले कुछ नहीं था, ये आपकी जो है निम्न अवस्था है, आद अवस्था है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करें, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके आपके इसके अंदर आ जाता है, इस प्रकार से एस और पी, तो एक एस और एक पी मिलकर के हम हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है 1s1, तो वन इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेते हैं और वन इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं और बन जाता है क्या, बेरिलियम BeH2 का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये विविटी थ्योरी फेल होती है, कहती है कि विविटी फेल होती है और संकरण के अंदर ये चीज़ें बताई गई। इस प्रकार से बेरिलियम बोरोन कार्बन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, अगले क्लास के अंदर हम संकरण की अवधारणा संकरण को लेके चलेंगे, संकरण क्या कहता है, क्या इसके विशेष जो है नियम है और कितने प्रकार का होता है, उसमें इस क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इसे कंटिन्यू करें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली अगली क्लास। थैंक यू सो मच, ओके, बेस्ट ऑफ लक।